अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने कामों में बिजी होंगे। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक जायंट अंगोरा के बारे में है। फॉर एग्जांपल सपोज अगर हमारे पास एक जायंट अंगोरा का मेल है या फीमेल है, ठीक है। जो जायंट अंगोरा के प्राइस हैं पाकिस्तान में इस वक्त तो ज़्यादा चल रही है, मतलब के 6,000 पर पेयर मिल रहा है, 8,000 पर पेयर मिल रहा है, इससे कम का मिल नहीं रहा पेयर हमें ना, ठीक है। तो सपोज़ कि अगर आपने रखा हुआ है, अगर कोई भी जायंट अंगोरा ले लिया एज अ पेट घर पे ले लिया मेल वगैरह, और जब वो बड़ा हुआ तो आपको उसकी ब्रीडिंग करवाने का ख्याल है कि इससे भाई ब्रीड लेते हैं, तो उस टाइम जो उसकी फीमेल मिलेगी ब्रीडर फीमेल, उसकी प्राइस 4 से 5 हज़ार तक होगी। पेयर 8-10 हज़ार का मिलता है, 4 से 5 हज़ार तक उसकी फीमेल मिलती है। क्योंकि मेरे पास भी था, मैंने इसको ऐसे एज ए पेट रखा था, जिस सामने देख रहे हैं आप, ये मेरे पास जायंट अंगोरा का मेल है, इसको मैंने एज ए पेट पाला था। ये 3 महीने का था जब मैंने इसको लिया था, तो अभी ये ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए रेडी हो चुका था। तो मैंने इसकी फ़ीमेल पता करने की कोशिश की, तो मुझे उसकी प्राइस बता रहे थे 5,000-4,000, मीन्स उससे कम की नहीं दे रहे थे। तो मेरे माइंड में ये आया कि मेरे पास देसी फीमेल्स हैं की सिंपल जो पाकिस्तान में नॉर्मल होती है, मैंने कहा मैं उससे क्रॉस करवा लेता हूँ, अगर उससे क्रॉस कराऊंगा तो ब्रीड कौन सी आएगी। सेम टाइम ये क्वेश्चन भी माइंड में आता है कि अगर हम जायंट अंगोरा के मेल को फीमेल देसी से क्रॉस करवा दें, क्रॉस मैटिंग करवा दें, तो हमारे पास क्या ब्रीड जायंट अंगोरा की आएगी या देसी की ही आएगी। तो उसका आंसर भी यही है, मेरे पास भी ब्रीड आई है, ये इसकी मेल की फर्स्ट ब्रीड में से आई है, मतलब कि सेकंड ब्रीड अभी इसकी आने वाली है 5 से 6 दिनों में इंशाल्लाह वो भी आ जाएगी, ठीक है ना। अभी जो चिक्स कहता हूँ, जो बनीज़ आप देख रहे हैं, ये बनीज़ 1 मंथ के होने वाले हैं, इनकी आंखें खुले हुए 10 से 12 दिन इनको हो चुके हैं, ठीक है। अभी देखिए खाना भी आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर रहे हैं ये, ठीक है, लेकिन अभी भी ये मदर फीड पे ही है, ठीक है। जब ये प्रॉपर खाना शुरू कर देंगे उसके बाद मदर फीड से हटेंगे। मैं आपको दिखाता चलूँ, इसकी जो ब्रीड आएगी आपके पास, वो इसका जो कलर होगा वो फीमेल पे जाएगा, और इसके हेयर है, क्योंकि ये जो जायंट अंगोरा जो हम फार्मिंग करते हैं या पालते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एज अ पेट पालते हैं, और सेकंडली इसको वूल पर्पज़ के लिए पाला जाता है, और तीसरी बात ये अच्छा भी लगता है, घर में प्यारा लगता है, ठीक है। तो अगर आप देसी से इसका क्रॉस करवाएंगे तो इसकी जो ब्रीड आएगी वो कुछ इस तरह की आएगी, जिसमें से आपको जो उसकी वूल है वो जायंट अंगोरा से कम ही मिलेगी, लेकिन जो देसी से उसकी से इसके जो बाल हैं वो थोड़ा ज़्यादा लंबे होंगे और अच्छे होंगे, ठीक है। लेकिन इसकी तो अपनी ही बात है जायंट अंगोरा की, कि इतने बड़े बड़े बाल होते हैं और बहुत ही प्यारा लगता है ये। लेकिन अगर मजबूरन अगर आपको करवाना पड़ जाए क्रॉस, तो आप उसको देसी से भी करवा सकते हैं बनीज लेने के लिए, अगर आपके पास है तो, अगर नहीं है तो फिर आप उसको जैसा आपको इजी लगे वैसे कर ले। मैंने तो ऐसे ही किया कि इससे देसी से इसकी क्रॉस करवाया था इसका, और अभी ब्रीड भी आ चुकी है इस मेरे पास 2, उसके बाद भी आएंगे, दोनों हेल्दी हैं, एक्टिव हैं, कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा कि भाई ये फर्स्ट टाइम ब्रीड हो रही है तो कोई और इशू आएगा नहीं। लेकिन ये है कि बनीस की क्वांटिटी कम थी, 2-6 हो सकता है, नेक्स्ट टाइम 4 हो या 6 हो, तो वैसे कोई मसले वाली बात नहीं है। मेन जो मकसद है बताने का ये कि हम जायंट वगैरह का किसी से क्रॉस भी करवा सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई म्यूटेशन वगैरह किसी में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। ये है मजबूरन करवा सकते हैं, मगर आपको शौकीन करवानी है तो आप जायंट अंगोरा ले लें, इसका इंग्लिश अंगोरा से क्रॉस करवा लें, इंग्लिश अंगोरा से भी इसका क्रॉस बहुत अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन जो डिमांड होती है वो जायंट अंगोरा को, तो जायंट अंगोरा ज़्यादा होती है। अभी अगर मैं देसी को बनीज को सेल करना चाहूँ तो मेरे इससे जो प्राइस होगी वो कम होगी, 1,000-1,200 रुपये पेयर जाएगा ये, 1,500 तक जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं जाएगा, ज़्यादा उस वक्त तक जाएगा जब अगर आप जायंट अंगोरा मेल से जायंट अंगोरा की फीमेल को भी क्रॉस कराए, उसके बाद जो बनीज आएंगे उस बनीज की प्राइस हाई होंगे, वो बनीज भी अच्छी बिकेंगे।